So we are starting chapter 12, that is environment and sustainable development. Okay. In this chapter we will study about the concept of environment, significance and you can say functions of environment. Okay, what are the problems related to the environment? What are the causes of environmental degradation? Environment in India, what is the state of environment in India? Okay. Sustainable development and what are the strategies of sustainable development? Okay. So environment, this chapter is basically related with the geography part. है ना, geography में आप लोगों ने पढ़ा होगा, SST में geography में पढ़ा होगा, environment क्या होता है, या EBS में एक part है. तो environment जो ये chapter है, ये बहुत easy chapter है, जो basically आपको इसके बारे में पता भी होगा, ठीक है? So environment क्या होता है? देखो environment मतलब जो हमारा आसपास के surroundings हैं, जिसमें हमारे trees हैं, human beings हैं, हम लोग plants हैं, या मैं कह रही थी जो nature gift है, वो सारा हमारा environment में include होता है, ठीक है? So what is environment? It is defined as all those conditions and their effect जो influence करता है किसको? Human life को, ठीक है? यानी कि ये क्या है? Some totally surroundings and the totality of resources that affect our existence and quality of our life. Okay? इसमें हमारे two elements होते हैं environment के. कौन-कौन से होते हैं? Elements कौन-कौन से हैं? एक होते हैं physical elements. That are also known as abiotic. Okay. And second one is living elements. That is also known as biotic elements. Okay. So physical elements include which are given by a god. जो हमें god ने दिया है as a gift, free gift की तरह. जैसे क्या है? Land है, water है. Trees, you can say, climate, mountain, these all are included under a biotic, that is physical element. Okay, physical element. इसके बाद living में आते हैं plants और living जो होते हैं plants, trees आपको इसी में आएगा. Trees भी हमारे इसमें आता है ना? क्योंकि ये क्या है? ये बेटा सिर्फ animals हैं. भाई leaf भी तो बायोटिक है, क्योंकि लीफ भी वो सॉरी ट्री, ट्री भी तो बायोटिक है. ट्री भी पहले छोटा सा रहता है, फिर बड़ा होता है, बड़ा होता है, लाइफ है. तो ये क्या है? हमारे फिजिकल एलिमेंट्स है, लिविंग एलिमेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट. ओके, सो सिग्निफिकेंस. देखो जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ, ठीक है? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, और यू कैन से फंक्शंस ऑफ एनवायरमेंट. तो इंपॉर्टेंस है क्या इसकी? इफ यू विल टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस, सो व्हाट इज इट? इम्पॉर्टेंस एक तो क्या है, इन्वायरमेंट क्या करता है? हमको ऑफर करता है व्हाट? रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन. प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन के लिए हमें पता है हमें रिसोर्सेज चाहिए, तो वो कौन देगा हमें? इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट से तो मिलता है हमको, ठीक है? दैट इज इन्वायरमेंट इंक्लूड्स फिजिकल रिसोर्सेज, मिनरल, गुड वाटर, सॉइल एंड अदर जो भी चीजें हैं वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? एन्वायरमेंट, ठीक है? विच आर अवेलेबल टू अस एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. तो हमें अवेलेबल होते हैं एज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है? जैसे मिनरल्स वगैरह है, वाटर है, हमें खरीदना पड़ रहा है? नहीं, ये फ्री गिफ्ट है जो हमें नेचर ने दिया है. दीज रिसोर्सेज आर यूज एंड इनपुट फॉर प्रोडक्शन. ये जो रिसोर्सेज है यूज होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. ओके, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का यूजफुल थिंग्स में जो कन्वर्जन होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्शन, ठीक है? अब आपको पता है जो रिसोर्सेज होते हैं ना, टू टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? विच कैन बी रिन्यू और यू कैन से रीयूज, ठीक है? और नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं? जिसको हम दोबारा यूज नहीं कर पाते हैं, रीयूज नहीं कर पाते, ठीक है? जैसे कि एग्जांपल, अगर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का एग्जांपल लेंगे तो हम क्या दे सकते हैं? वुड. मतलब जब हम उसका यूज करते हैं तो वो चीजें खत्म होती रहती है. तो जैसे कि क्या है? वुड, सी एनिमल्स. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं? फॉसिल फ्यूल्स वगैरह, ठीक है? सेकंड आता है इसमें एनवायरमेंट क्या करता है? सस्टेन्स लाइफ. सेकंड है एनवायरमेंट क्या करता है? सस्टेन्स लाइफ. ओके, सो एनवायरमेंट सस्टेन्स लाइफ मींस एनवायरमेंट जैसे इंक्लूड करता है सन, सॉइल, वाटर और एयर जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के. आपको पता है कि जैसे सन है वो भी हमें चाहिए, सॉइल, वाटर वगैरह सब कुछ चाहिए, ठीक है? जो कि एक ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. और एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट इंप्लाइज द एंड ऑफ लाइफ. अगर इन सब चीजों का एब्सेंस खत्म हो जाएंगे चीजें, तो हमारी लाइफ में
नेट वेस्ट, आपको पता है कि अगर हम चाहे प्रोडक्शन कर रहे हैं या कंजम्पशन कर रहे हैं, दोनों में वेस्ट क्रिएट होता है, वेस्ट होता है। तो वेस्ट क्या है, ये हमारा जो है किस फॉर्म में होता है, गार्बेज की फॉर्म में होता है, कूड़े की फॉर्म में होता है, ठीक है। वेयर डज इट गो, तो कहां जाता है ये कूड़ा, एनवायरमेंट क्या कर लेता है इसको, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि असिमिलेट कर लेता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करता है, एनवायरमेंट असिमिलेट वेस्ट, यानी कि असिमिलेट मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, एनवायरमेंट एनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो एनवायरमेंट क्या करता है, एनहेंस करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। जैसे कि आपको पता है कि सराउंडिंग्स में हमारे रिवर है, ओशंस है, माउंटेन्स है और डेजर्ट है, तो मैन क्या करता है इन सराउंडिंग्स को एंजॉय करता है और ये उसकी लाइफ में क्या करता है, एज अ क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरह एड होते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि जो एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में सब चीजें इंक्लूड है, लैंड है, एयर है, वॉटर है, सॉइल है। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है। टू बेसिक प्रॉब्लम है जो एनवायरमेंट की होती है, वॉट इज दैट, फर्स्ट वन इज पॉल्यूशन एंड सेकेंड वन इज एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो बेसिक प्रॉब्लम है हमारी, फर्स्ट है हमारी पॉल्यूशन, फर्स्ट है पॉल्यूशन। और जो थ्री बेसिक पॉल्यूशन है वो कौन कौन से हैं, एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, सेकेंड वन इज वाटर पॉल्यूशन, और वही पानी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। सो थर्मल पावर हाउसेज
डिस्चार्ज कर रहे हैं एंड जो राख वगैरह होती है वो भी सब हमारा किस में जाता है, रिवर एंड स्ट्रीम में जाता है। ओके सो आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो भी वॉश वेजिटेबल्स इन द नुलास ब्लॉक अनट्रीटेड सीवेज वाटर, जो सब्जियां वगैरह बाजार में मिलती है। अब इतना पानी कहाँ से लाएंगे फार्मर्स में, तो वो क्या करते हैं, वो जो नाले का पानी होता है उसी में ही धोके और वो वेजिटेबल्स हम लोग खा रहे हैं। इसीलिए तो आजकल इतनी बीमारी हो रही है, क्यों, क्योंकि इतना ज्यादा जो पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, तो सब चीजें जो हम लोग अगर हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं दैट इज ऑल्सो पॉल्यूटेड, और अगर हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह खा रहे हैं दैट इज ऑल्सो पॉल्यूटेड। इसी वजह से इतने सारे डिजीजेस आजकल हो रही है, ठीक है ना। अगर हम लोग इफ वाटर नॉट सच वेजिटेबल्स आर श्योर, अगर हम सपोज वो वेजिटेबल्स को ऐसी कच्चा ही खा लें, क्योंकि पक्के क्या होता है जब उसको पका लेते हैं हम लोग तो उसमें से जो भी मतलब उसके बैक्टीरिया है वो बॉयल होके क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, मोस्टली नहीं होते लेकिन लगभग जो है कम हो जाते हैं ना। इसलिए बोलते हैं पानी को भी बॉयल करके पियो ताकि जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह है वो सब खत्म हो जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है इसमें नॉइस पॉल्यूशन, नॉइस मतलब ध्वनि प्रदूषण जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि नॉइस पॉल्यूशन जैसे व्हीकल्स है दुनिया में, क्या पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो क्या है, लोगों के पास गाड़ी वगैरह उतनी ज्यादा है, ठीक है, उनसे जो साउंड निकल रही है, या मैं कह रही हूँ कि नॉइज जनरेटिंग इंजन है जो रोडों पे चल रहे हैं दैट आर ऑल्सो क्रिएटिंग नॉइज पॉल्यूशन, ठीक है। एक्सेसिव नॉइज से क्या हो रहा है, इरिटेशन होती है भाई, ज्यादा आवाज से क्या होती है, इरिटेशन हो रही है, ठीक है। अननेसेसरी फटीग्स द बॉडी एंड द माइंड, तो जो भी हम कह सकते हैं कि अगर सोर्सेज है नॉइज पॉल्यूशन तो क्या है, साउंड प्रोड्यूस बाय व्हीकल इंजन, व्हीकल से जो साउंड हो रही है, या मैं कह रही हूँ इंडस्ट्रियल मशीन से आवाजें जो आती है साउंड है, ठीक है। हाउस होल्ड अप्लायंसेस जैसे मिक्सर ग्राइंडर है, वाटर बूस्टर है, वॉशिंग मशीन है, इन सबसे भी तो साउंड क्रिएशन हो रहा है ना, तो दैट इज दे आर ऑल्सो क्रिएटिंग नॉइस पॉल्यूशन। ओके सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉल्यूशन, दैट इज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन। ओके नाउ सेकेंड वन इज आपको पॉल्यूशन द फर्स्ट, और सेकेंड आता है इसमें एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपको पता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है दीज आर लिमिटेड, ठीक है, लेकिन जो बॉन्ड्स है ह्यूमन की वो अनलिमिटेड है, बॉन्ड्स तो अनलिमिटेड है लेकिन जो रिसोर्सेज है वो हमारे पास लिमिटेड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड विद द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो सेकेंड क्या है हमारे पास, फर्स्ट हमारे पास पॉल्यूशन है, एंड इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड देन दैट इज एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट हो रहा है टाउनशिप, वहां पे शहर बस रहे छोटे छोटे।
जो कि जिससे क्या है, यह मैं बात करती हूँ कि रिक्वायरमेंट ऑफ वुड बाय द हाउसहोल्ड एज अ फ्यूल भी यूज करते हैं लोग घर में, है ना, लकड़ी को भी यूज करते हैं एज अ फ्यूल, तो उसमें भी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है। सो और दूसरा ये है कि हम लोग अगर बात करते हैं जैसे डैम वगैरह बनते हैं तो वो भी एक अनदर फैक्टर होता है जो डिफॉरेस्टेशन का कारण है। जैसे अगर मैं कहती हूँ भाखड़ा डैम या जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, ये भी क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन का एक मेन कारण होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। अगर मैं कह रही हूँ लैंड का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो लैंड का डिग्रेडेशन यानी कि सॉइल इरोजन, सुना है, लैंड हमारी किस तरह पॉलिट हो रही है, सॉइल इरोजन सुना है, क्या होता है सॉइल इरोजन, हाँ, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। और टॉप सॉइल से ही आपको पता है कि प्लांट्स है, ट्रीज है, उन लोगों को जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, टॉप सॉइल से मिलते हैं। अब जो सॉइल इरोजन मतलब जो रिमूवल होता है ना, तो यानी कि टॉप सॉइल उड़ गई है या फ्लड आ गया है या स्टॉर्म आ गया, तो जो टॉप सॉइल उड़ जाती है यानी कि इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और यू कैन से फ्लड्स और बेस्ट फ्लड्स। व्हेन वी टॉक ऑफ सॉइल इरोजन वी आर रेफरिंग टू लॉस ऑफ अपर लेयर। अगर हम सॉइल इरोजन की बात करें तो दैट इज द लॉस ऑफ अपर लेयर, जिसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसमें मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं वो तो सब उड़ जाते हैं, क्योंकि जब ऊपर की मिट्टी ही साफ हो गई तो वो चीजें भी तो सब लॉस हो गई, है ना। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारी सॉइल है वो क्या हो रही है, उसमें एल्केलिनिटी और जो भी सैलिनिटी ऑफ सॉइल है वो वाटर लॉगिंग के थ्रू क्या हो रही है, उसी का कारण हो रहा है कि सैलिनिटी ऑफ सॉइल हो रहा है या टॉप सॉइल जो उड़ रही है, ठीक है, एक्सेसिव वाटर लॉग हो रहा है टॉप सॉइल पे। इससे क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स जो क्या न्यूट्रिएंट ज्यादा उसमें सकअप कर ले रहा है, जब ज्यादा पानी आ जा रहा है मिट्टी में तो सारा तो उसने न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, तो इससे क्या हुआ, जो सॉइल फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है ना, उपजाऊ जो रहता है वो कम हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है इसमें हमारा कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, मैंने बात करी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की है, तो इसके कारण क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या है, पॉपुलेशन, आपको पता है पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो यानी कि जो हमारे एनवायरमेंट में जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं या हम कह सकते हैं कि जो भी रिसोर्सेज हैं वो सबको यूज हो रहा है, एक्सेसिव यूज हो रहा है, तो उससे एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है ना। और वही दूसरा होता है पॉवर्टी, आपको पता है जब पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो पॉवर्टी बढ़ रही है ना। पॉवर्टी वही सिचुएशन होती है जिसमें कि पर्सन इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, जब अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पाता वही पॉवर्टी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन ज्यादा बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो यानी कि एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है दूसरे रिसोर्सेज का, जैसे पेड़ वगैरह कट रहे हैं जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, वो किसलिए हो रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन मतलब घर ज्यादा बन रहे हैं, है ना, पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड बढ़ रही है, जब डिमांड बढ़ रही है तो क्या लोगों को घर चाहिए रहने के लिए, इंडस्ट्री वगैरह खुल रही है, शॉप्स खुल रही है ना, तो अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो उसके कारण भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ज्यादा यूज हो रहा है इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन के लिए फार्मर किसका यूज कर रहे हैं, ज्यादा इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड्स है या कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स है उनका यूज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फार्मर्स को क्या चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और उनको प्रॉफिट हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो मतलब लोग जो पॉपुलेशन ही बढ़ रही है तो उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, इंडस्ट्रीज खुल रही है, इंडस्ट्रीज खुल रही है तो इंडस्ट्री क्या कर रही है, एक तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन से एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है, वेस्ट वगैरह निकल रहे हैं उससे क्या हो रहा है हमारा वाटर पॉल्यूशन है, स्मोक निकल रहा है नॉइज पॉल्यूशन है, साउंड निकल रहा है दैट इज नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है ना। तो इंडस्ट्रियल स्मोक क्या है, एक सीरियस पॉल्यूटेंट है जो पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बहुत ज्यादा है, व्हीकल्स और जब भाई लोग ही ज्यादा है तो ऑब्जेक्टिव क्या है उनकी, जो अगर उनके अकॉर्डिंग बात करते हैं तो उनकी व्हीकल ज्यादा है तो उससे क्या हो रहा है हमारा साउंड पोल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, और क्या हो सकता है नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है ना, वो हमारा जो है उससे भी हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। सेकेंड में बात कर रही हूँ कि आपको देखा होगा कि जनरल पब्लिक जो है सिविक नॉर्म्स को डिसरिगार्ड कर रही है, यानी कि मानते नहीं है, जहां मन करा वहां रोड पे फेंक देते हैं, ठीक है, रोडों पे फेंक रहे हैं या सड़कें नहीं होंगी लोग इधर उधर कुछ भी फेंक देते हैं कूड़ा वगैरह, है ना। उसके बाद जो हॉर्न्स है लाउड स्पीकर्स है उससे बहुत ज्यादा नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, रोडों पे चल रहा हो तो बस उसी के स्पीकर हॉर्न वगैरह की आवाजें सुनते हो, या लाउड स्पीकर है क्या कीर्तन हो रहे हैं या शादी वगैरह हो रही है लाउड स्पीकर से भी लाउड नॉइज पॉल्यूशन होता है, ठीक है।
क्या है, कॉन्सिक्वेंस है किसका, रैपिड अर्बनाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का। ठीक है, ये क्या कर रहा है, ग्लोबल क्राइसिस को भी कनेक्ट कर रहा है और जो हमारा नेशनल इंटरनेशनल लेवल है उसमें भी ज्यादा क्रिएट हो रहा है, जो हमारा पॉल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज था हमारा किसके बारे में, पॉल्यूशन के बारे में, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के बारे में। अगर मैं बात करती हूँ कि हमारा, अगर हम स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट की बात करते हैं इंडिया में कैसा है, तो इंडिया में 17% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें से 2.5% हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया में आता है। ठीक है, इंडिया का, यानी कि 2.5% अगर वर्ल्ड में बात करते हैं तो उसमें 17% किसका है, इंडिया का। ठीक है ना, नेचुरल एंडोमेंट है इज गेटिंग एक्सेसिव एक्सप्लॉइटेड, उससे क्या हो रहा है, जो नेचुरल एंडोमेंट है, नेचुरल यूज हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, उससे हमारी एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, या मैं कह रही हूँ कि जो प्रोडक्शन और कंजप्शन वेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, जो जनरेट हो रहा है ये हमारा जो एनवायरमेंट है का उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सर थर्ड ये कह रही हूँ कि एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल साउंड पॉल्यूशन, ये भी क्या है, इकोनॉमिक लिमिट्स है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जब इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, हर जगह तो पॉल्यूशन है, हम सांस ले रहे तो पॉल्यूटेड एयर ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं वो पॉल्यूशन है उसमें, है ना, वो पॉल्यूटेड है। तो यानी कि ये जो मेन है, ये हमारे जो इतनी सारी डिजीज हो रही है आजकल, वो सब उसी का ही कारण है, उसी का ही रीजन है। ठीक है ना, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है इसमें कि अगर मैं आपको बोल दूं कि हाउ टू सेव एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को हमने कैसे सेव करना है, हमें इतने कारण पता लगे, इतने रीजंस पता लगे, तो अगर हम एनवायरमेंट की बात करते हैं तो आप कैसे सेव करोगे। देखो, एक तो सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए, सोशल अवेयरनेस मतलब लोगों को पता होना चाहिए कि भाई पॉल्यूशन हो रहा है उसके क्या डेंजर्स है, क्या उसके डिसएडवांटेज होगी, द वे ईच इंडिविजुअल कैन कॉम्बैट, उसके कारण, उसी के थ्रू जो है लोगों को सतर्क रहना चाहिए, लोगों को मतलब एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो दूसरा कह रहा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तो सबको उसके लिए मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी ये चीजें होंगी। ठीक है ना, पॉपुलेशन कंट्रोल होनी चाहिए, सेकेंड की पॉपुलेशन ही बढ़ रही है, पॉपुलेशन के कारण ही पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है या पॉल्यूशन है, सब उसी का कारण मेन क्या है, पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होती है तो ये सब चीजें भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ठीक है ना, या मैं कह रही हूँ कि एफोरेस्टेशन होना चाहिए, एफोरेस्टेशन होना चाहिए, डिफोरेस्टेशन को बढ़ावा ना देके एफोरेस्टेशन को देना है, पेड़ उगाने चाहिए। ठीक है, काटना छोड़ के पेड़ उगाने चाहिए। ठीक है ना, तो इसके लिए कैंपेन होना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें होती है तो ये जो है कुछ मेजर्स है जो हम प्रोटेक्टिंग एनवायरमेंट के लिए ले सकते हैं। ये मैं कह सकती हूँ कि कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्रियल और जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होता है, पॉल्यूशन होता है, उसमें कंट्रोल होना चाहिए। यानी कि आपको पता है जो एयर और वाटर पॉल्यूशन है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल के कारण हो रहा है। ठीक है, उसको मैनेज करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। तो एग्रीकल्चर पॉल्यूशन को अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज ना करें, जैसे मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करें। ठीक है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया था मैन्योर यूज करना चाहिए, एनिमल मैन्योर, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज ना करें, तो उससे हमारे जो भी एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन है वो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो वाटर मैनेजमेंट। देखो, रिवर वाटर शुड बी कैप्ट क्लीन, जो रिवर के वाटर्स होते हैं उसको क्लीन रखना चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए नदी वगैरह के पानी में, ये नहीं है कि कुछ भी कूड़ा करकट कुछ भी डाल दिया। ठीक है, क्योंकि वहीं से हमें पता है कि जो हमें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलता है या रूरल पीपल को मिलता है तो वहीं से ही जाता है वो पानी, है ना, वही सप्लाई होता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो भी सॉलिड वेस्ट है उसका एक मैनेजमेंट होना चाहिए, इट शुड बी ट्रीटेड केमिकली, उसको हम केमिकली कर सकते हैं, रूरल गार्बेज को शुड बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट में हम उसको चेंज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है इंप्रूवमेंट इन हाउसिंग, हाउसेज शुड बी नीट एंड क्लीन, जो हाउस बनते हैं उसको नीट एंड क्लीन बनाना चाहिए। स्लम शुड बी रिप्लेस बाय एयरी एंड वेल लाइटेड ड्वेलिंग हाउस, जो स्लम से है या जो झोड़ी झुप्पड़ में रहते हैं, ठीक है, उनको जो है वेल लाइटेड ड्वेलिंग हाउस में रखना चाहिए, उनके लिए घर होने चाहिए। अब ये नहीं है कि लेट अस नॉट ऑफर अदर द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग अस स्लम डाउन, मतलब दूसरों को हमने ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देनी है कि वो हमें स्लम डाउन करें, क्योंकि बाहर के लोग इंडिया को क्या ऐसे ही समझते हैं, है ना, उनकी नजरों में हम लोग यही है कि हम लोग क्या स्लम डाउन है, मतलब थोड़ी झुप्पड़ वाले, इंडिया जो है थोड़ी थोड़ी उसमें ही रहता है झुप्पड़ी वगैरह। ठीक है, तो ये था हमारे कि ये कुछ मेजर्स है जो हमें लेने चाहिए टू सेव अवर एनवायरमेंट। क्लियर? ओके, नाउ एनवायरमेंट टॉपिक इज कंप्लीटेड, नाउ सेकंड टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसका एम क्या होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहे
बारे में सोचना है ना, कि प्रेजेंट में भी यूज कर सके और लोग फ्यूचर में भी यूज कर सके। अगर हम ही प्रेजेंट में सब कुछ यूज कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन क्या यूज करेगी, उतना तो कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। सो ऐसा एम होना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहे प्रेजेंट की हो चाहे फ्यूचर की हो, दोनों को बढ़ाना चाहिए, है ना। उसका मेन एम यही होता है कि रेज करे क्वालिटी ऑफ लाइफ को फॉर बोथ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, ठीक है, विदाउट थ्रेटनिंग नेचुरल एनवायरमेंट। मतलब कोई भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है या उसको मतलब बिगाड़ के ना हमें क्या करना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। अगर हम पहले की बात करते हैं, पहले क्या था, डाइवर्स क्रॉप्स ग्रोन ऑन लैंड हैज लेड टू अ फॉल इन सॉइल फर्टिलिटी। अब क्या है कि जो अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं, कंप्लीट डिसरिगार्ड है रिसोर्स एंडोमेंट को और एनवायरमेंट को। जैसे कि आपको पता है जो एक्सेसिव माइनिंग हो रही है आयरन कोल गोल्ड सिल्वर और एक्सट्रैक्शन हो रहा है जो क्रूड ऑयल का, उससे क्या हो रहा है, स्टॉक में कमी आ रही है भाई। जब इतनी चीजें यूज हो रही है वो तो कमी आ रही है ना उसमें। स्मोक और अदर इंजरियस जो एमिशन से फैक्ट्री से निकल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से निकल रहे हैं, उससे पॉल्यूशन हो रहा है एनवायरमेंट का, ठीक है। तो ब्रीफली द कॉम्पिटिटिव प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। इट इज ओनली रिसेंटली दैट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन है उसको एक एमर्जिंग चैलेंज माना गया है आजकल की लाइफ में, चाहे वो प्रेजेंट की बात करें चाहे वो फ्यूचर की बात करें। क्योंकि एक्सेसिव यूज हो रहा है, एक्सेसिव यूज हो रहा है, लेकिन उसमें कमी आ रही है। जब आज के लोगों को ही कमी झेलनी पड़ी है तो फ्यूचर जनरेशन में तो ऑब्वियसली है कि झेलनी पड़ेगी, है ना लोगों को। सो जो कंसेप्ट है सोशल डेवलपमेंट का, अभी हमें समझना चाहिए व्हाट द प्लानर्स एंड पॉलिटिशियंस आर नाउ सीकिंग इज नॉट मेयरली ग्रोथ। उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ग्रोथ करनी है, लेकिन ग्रोथ ऐसी करनी है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो काफी टाइम तक चल सके। ऐसा नहीं है कि ग्रोथ करनी है तो सिर्फ आज तक में चाहिए, हमें प्रेजेंट में तो चाहिए लेकिन हमें फ्यूचर में भी चाहिए, ठीक है ना। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोसेस होता है जो फुलफिल करता है नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट चैलेंजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स। मतलब उसको चैलेंज नहीं करना कि भाई फ्यूचर में नहीं चाहिए, हमें अभी अभी प्रेजेंट में यूज कर लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सस्टेन करना है ना, प्रेजेंट में भी और फॉर फ्यूचर भी। अच्छा, तो मैं फीचर्स की बात करती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो फीचर्स वाला टॉपिक है इसको हम लोग कल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, वरना गुस्सा हो जाएगा तो तुम सब कंफ्यूज हो जाओगे। तो फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज क्या है डेवलपमेंट की, ये टॉपिक हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑन मंडे, ओके। एंड आफ्टर दैट ओनली वन चैप्टर इज लेफ्ट, दैट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, ओके। क्या डेवलपमेंट एक्सपीरियंस है इंडिया का, पाकिस्तान का और चाइना का, तो ये लास्ट चैप्टर रह जाएगा। तो इसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, दैट इज फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, ओके।